इस बार उद्योग धंधों और शिक्षा के हब के रूप में विकसित करूंगा। मेरा 5 साल का विकास ही मेरे जीत की गारंटी है, कहा सांसद जनार्दन मिश्रा ने। और इनसे बात की हमारे एडिटर एंड चीफ जावेद अंसारी ने। तो आइए चलते हैं और देखते हैं और क्या कहा सांसद जनार्दन मिश्रा ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन, मैं जावेद अंसारी आपके साथ। आज हमारे साथ एक ऐसे खास शख्सियत, मैं कहूँगा शख्सियत मौजूद हैं, जिन्होंने पिछले 5 सालों में रीवा में इतने काम किए जिसकी वजह से निकट भविष्य में होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना एक उम्मीदवार फिर से बनाया है। मैं आपको बता दूं, शायद आपके ही काम का नतीजा था जिसकी वजह से विधानसभा की आठों सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार सांसद जनार्दन मिश्रा जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा पहला सवाल, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को, हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आपकी ऐसी कौन सी उपलब्धियां थी जिसकी वजह से आपको पार्टी ने आप पर फिर से विश्वास जताया, आपको दोबारा टिकट दिया। जनता के प्रति निष्ठा और पार्टी के कार्यक्रमों को, पार्टी की नीतियों को, केंद्र सरकार की योजनाओं को नीचे तक लोगों में ले जाना, समझाना, उनके प्रति जागरूक करना, ये मुख्य रूप से पार्टी के विश्वास करने के लिए ये चीज़ें, जैसा आपने प्रश्न किया, हमारी सहायक हुई है। और हमारे केवल मैं नहीं, हमारे पूरे जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक रहे हों, चाहे वो नगर पंचायतों के अध्यक्ष रहे हों, नगर जिला पंचायत की उपाध्यक्ष रही हूँ, इन सारे लोगों ने एक साथ मिल करके काम किया और उसका परिणाम है कि आज जैसा आपने बताया कि आठ की आठों सीटें भारतीय जनता पार्टी को यहाँ मिली हैं। ये कई इन सारी चीज़ों, सबकी मेहनत से, सबके लगन से और पार्टी के प्रति निष्ठा नीचे के कार्यकर्ताओं तक रही है और इन सबको संयोजन करने में थोड़ी बहुत भूमिका हमारी जो थी वो मैंने किया। और शायद यही कारण है कि कार्यकर्ताओं का, जनप्रतिनिधियों का एक विश्वास हमको मिला और पार्टी नेतृत्व ने इस विश्वास पर विश्वास मान के और हमें फिर से उम्मीदवार बनाया। क्या वजह थी कि आपने अपने कार्यकाल के दौरान कभी रिक्शा भी चलाया, कभी नालियां भी साफ की, कभी झाड़ू भी लगाया? क्या ये निचले तबके से जुड़ने का एक सोची समझी प्लानिंग थी या आपका एक ऐसा स्वभाव ही है कि जहाँ पर भी आप काम देखते हैं आप स्वयं जुड़ जाते हैं? ये शायद मेरे DNA में है। जब मैं 14 साल का था, 15 साल का था, 16 साल का था, गर्मियों में अपने गांव के बच्चों को पढ़ाता था और माता पिता इतने प्रभावित हुए कि बच्चों को मामा के यहाँ जाने से रोकने लगे, बारात जाने से रोकने लगे, तो वो बच्चे आकर के टट्टी कर जाते थे वहाँ। तो मैं अपने हाथ से वो टट्टी उठाता था, पूरे उस जहाँ पर हम बच्चे बैठते थे वहाँ मैं गोबर से लिपाई करता था, कांटा भी चुभो देते थे कुछ बच्चे शैतानी बस, तो उन कांटों को निकालना। इस तरह से अपन, जब मैं पिछले जीवन को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि एक 14 साल के लड़के का, 15 साल का लड़का, 16 साल का लड़का अपने हाथ से टट्टी उठा रहा है, गोबर से लिपाई पुताई कर रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि शायद ईश्वर ने मेरे DNA में ये तत्व भेजा, उस वजह से वो चीज़ हमेशा चलती रही। जब जिला अध्यक्ष बना तब भी मैं इस विश्वास के लिए कि प्रत्यक्ष सेवा में भी राजनीतिक कार्यकर्ता को शामिल होना चाहिए, और इसी वजह से जिला अध्यक्ष जब था तो सफाई के लिए, नालियों की सफाई, झिरिया कुंड की सफाई, जहाँ जहाँ गंदगी का कुछ लगा और हमारे ये लगा कि नहीं, ये कार्यकर्ता यहाँ पर 30-40-50 लोग हम मिल करके कर लेंगे, वहाँ मैं करता रहा हूँ। और इसके बाद जब मोदी जी आए, उन्होंने एक आह्वान किया तो हमको तो और एक सहारा मिला और एक विचार को, विराम विचार को एक नई गति मिली, और इस वजह से इन सब। आपने पिछले 5 साल का कार्यकाल एक आम आदमी की तरह से बिताया, लोगों को लगा ही नहीं कि आप एक संसद सदस्य भी हैं। इस दौरान आपकी ढेर सारी उपलब्धियां भी रही होंगी, हमारे दर्शकों को आप बताइए ऐसी आपकी कौन सी उपलब्धियां थी जिसकी वजह से इस बार आप ये जनता, रीवा की जनता से उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपको दोबारा भी वोट दे के भारी वोटों से जिताएंगे? एक सांसद का जो अचीवमेंट
आकलन करने का तो ये जनता में रहता है वो रेल रहता है। यहाँ हमारे रीवा में तो रेल की डिमांड की वजह से लगता है कि सांसद ने रेल के लिए क्या किया। रीवा जैसे सी श्रेणी के रेलवे स्टेशन से 3 नई गाड़ियाँ रीवा से राजकोट, रीवा से नागपुर, रीवा से बड़ौदा ये चली। शायद हिंदुस्तान का सी ग्रेड का पहला रेलवे स्टेशन होगा जहाँ से 3 नई सवारियाँ गाड़ियाँ चली। चौथा रीवा से इंदौर चलती थी लेकिन उस पर गए ना के बराबर थी, बच्चे इंदौर के लिए जाते थे 16-16, 18-18 घंटे बैठे रहते थे, वो स्लीपर कार में बदली। तो इस तरह से 3 नई गाड़ियाँ, एक गाड़ी का फिर से नए स्वरूप में बदल जाना ये था। फिर जब रीवा से सतना रेल के दोहरीकरण का 406 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मंजूर हुआ, वो तुर्की तक बन भी चुका है और आगे इसका काम शुरू होगा। आप देखें कि 20 साल तक रेल की पटरी 20 सड़क से रेल गुजरती थी, कहीं उसमें ब्रिज नहीं होता था। आज अभी रीवा से सीधी सगरौली के लिए रेल की पटरी बिछी नहीं और ओवरब्रिज बन रहा है। मैं आपको रोकूंगा बीच में। आपने जब पिछला चुनाव लड़ा था मुझे अच्छे से याद है, आपने कहा था मेरी प्राथमिकता में रीवा बॉम्बे ट्रेन होगी। रीवा मुंबई ट्रेन आपके कार्यकाल के दौरान ना चल पाई, इसकी क्या ऐसी खास वजह थी जिसको लेकर आप दर्शकों को और तमाम लोगों को ये बताएंगे इस वजह से हम इस ट्रेन को नहीं ला पाए? दरअसल रीवा में एसी कोच मेंटेनेंस का कोई साधन नहीं था। 10 करोड़ रुपए मिले हैं एसी मेंटेनेंस के लिए और वो बनेगा तो उससे एसी कोचेज जो हैं वो उनमें वो एक जो अपने पास साधन का अभाव था वो पूरा होगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि अब बम्बई में कोई ऐसा नई ट्रेन ले जाने के बारे में बहुत हिचकिचाहट होती है और वो आकलन वहाँ जा कर के मालूम हुआ कि अरे तो बड़ा कठिन है। अब जब मुंबई में एक नया फिर से रेलवे स्टेशन बन रहा है, वो रेलवे स्टेशन जहाँ कंप्लीट हुआ तो ये रीवा मुंबई में कोई देरी नहीं लगे, क्योंकि मिनिस्टर भी सोचते हैं, शासक रेलवे बोर्ड के अधिकारी भी चाहते हैं कि यहाँ से रीवा मुंबई चले, पर वो अभी थोड़ा सा समय लगा उसमें। पर रीवा मुंबई की वजह से अपने को जो कुछ उपलब्धियाँ आज हिंदुस्तान में 3-3 गाड़ियाँ किसी रेलवे स्टेशन में नहीं से नहीं चली, वो मुंबई की वजह से ही है थोड़ा सा, और मिला भी उसका लाभ भी मिला। निश्चित रूप से जो ट्रेनें चली उसका लाभ रीवा के लोगों को काफ़ी तेज़ी से मिल रहा, और कभी भी किसी ने नहीं सोचा था कि रीवा जैसे जगह से इतनी सारी ट्रेनें चलेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर है, धीरे धीरे वो डेवलप होगा। आपकी बात से हमारे ख्याल से दर्शक भी सहमत होंगे। हम ये जानना चाहेंगे, एक जो बड़ा सवाल ये बनता है, रीवा में उद्योग धंधों का काफ़ी अभाव है। आपके कार्यकाल के दौरान उद्योग धंधों का यहाँ पर उस तरीके से विस्तार नहीं हुआ जैसा कि लोगों को उम्मीद थी कि यहाँ पर उद्योग काफ़ी नए आएंगे, काफ़ी लोगों को रोजगार मिलेगा। ये बात सही है, इससे मैं इनकार नहीं करता, लेकिन यहाँ पर 3-3 नए औद्योगिक सेक्टर तैयार किए गए हैं, मऊगंज में है, गुड़ में है, रीवा में भी है, और वहाँ पर उद्योग स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए मैं कोई बड़बोलेपन की बात नहीं करता, राजेंद्र शुक्ला जी ने इसके लिए प्रयास किया है, वो भी है, और मैं भी चाहूँगा कि केंद्र से जो भी मदद हो सके वो करूँगा। एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जैसे आपने कहा कि उद्योग धंधों का इस बार कार्यकाल में आप खास तौर से ध्यान रखेंगे, राहुल गांधी ने अभी पिछले दिनों एक ये कहा कि हम 6,000 रुपये हर उस परिवार को देंगे जिसकी आय 12,000 से कम होगी। ये एक कांग्रेस पार्टी का बड़ा दांव है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये संभव ही नहीं है। पहले तो देखिए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जी ने दूसरी बात की, वो टॉपअप की बात की, और दूसरे दिन राहुल गांधी के उस कथन का प्रेजेंटेशन का वहाँ की मीडिया के जो इंचार्ज हैं सुरजेवाला, उन्होंने खंडन किया कि नहीं, राहुल जी ने जो कहा है वो गलत है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। तो और इसमें बताया जा रहा है कि 3,40,000 करोड़ रुपये खर्च होगा। आप विश्वास करिए कि ये रकम इकट्ठा करना माने असंभव है, क्योंकि अपना रक्षा बजट ही 3 लाख करोड़ का,
और 3,40,000 करोड़ है, ये पाएंगे कहाँ से? ये तो उसी तरह होगा जिस तरह से मध्य प्रदेश में कहा था कि किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे और अगर नहीं माफ़ किया तो 10 दिन में हम मुख्यमंत्री हटा देंगे। और आज अब इस जिले में 25 किसान भी आप तलाश के दे दें कि नहीं, जिनका 2 लाख रुपए का कर्जा माफ़ हुआ किसका नहीं, अब आ रहा है कि मैं माफ़ नहीं कर पाया, SMS जा रहा है किसानों को कि माफ़ नहीं हो पाया कर्जा, अब चुनाव के बाद माफ़ करेंगे। तो चुनाव के बाद माफ़ क्या करेंगे, आपके पास पैसा ही नहीं है, 56,000 करोड़ रुपए कहाँ से लाओगे आप? वक्त हो गया है एक ब्रेक का, हम इस गुफ्तगु को आगे भी जारी रखेंगे। हमारे साथ जनार्दन मिश्र जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के, या यूं कहें रीवा के सांसद, जिन्होंने रीवा की जनता के लिए काफी काम किए। हम उनसे आगे भी बातचीत जारी रखेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी के लिए आवास योजना नगर पालिका निगम रीवा की विभिन्न आवासीय एवं व्यवसायिक योजनाओं हेतु सीलबंद लिफाफे में दरें आमंत्रित की जाती हैं। दुकानें एवं LIG MIG लालपा चिरहुला मंदिर के आगे, तोपखाना बिछिया, कृष्णा नगर कुटकुट पालन केंद्र के पास गोल क्वार्टर बिछिया, SF ग्राउंड के पास, शिवनगर साइड, सुंदर नगर साइड, रतहरा साइड। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें नगर निगम ऑफिस या फिर नंबर 8770680241, 7987094945, 9425184693। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। हमारे साथ रीवा सांसद जनार्दन मिश्र जी मौजूद हैं। आपके दावा है कि इस बार भी वो भारी बहुमत से जीतकर संसद में जाएंगे और जो अधूरे काम है उनको पूरा करें। यहां एक बड़ा सवाल उठता है, जनार्दन जी, आपको रीवा की जनता दोबारा क्यों वोट दे? आपने कितने गांवों का भ्रमण किया है और वहां पर क्या क्या ऐसी उपलब्धियां जिसकी वजह से आपको रीवा की जनता दोबारा वोट दे? देखिए, यहां पर 90 से जो सांसद हुए तो किसी के बारे में आरोप लगता था कि ये सांसद नहीं जाते, किसी के बारे में आरोप लगता था कि ये गांव नहीं जाते, किसी के बारे में आरोप लगता था इनका व्यवहार बदल गया, किसी के बारे में आरोप लगता था इन्होंने भ्रष्टाचार करके संपत्ति अर्जित की। मैं, आप विश्वास करें कि 2,817 गांव इस ज़िले में, 11 नगर पंचायतें हैं जिनमें 15-15 वार्ड हैं, 45 वार्ड का नगर निगम है, पूरे नगर निगम के हर वार्ड में दो चक्कर, नगर पंचायतों के हर वार्ड में एक बार से कम एक बार, और 2,817 गांव में से अब मुश्किल से 50-60 गांव बचे हैं जहां मैं अभी नहीं जा पाया हूं, और चुनाव के पहले पहले वहां भी जाने का प्रयास कर रहा हूं। इस तरह से मैं वहां गांव में जाके गरीबी योजनाओं की समीक्षा, लोगों की ज़रूरतें, इन सब चीज़ों का प्रत्यक्ष जब दर्शन करता था, वहाँ से उनकी ज़रूरतों का, समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। इस वजह से मुझे लगता है कि गरीब से गरीब आदमी के बीच जाके उसकी समस्याओं को, उसकी कठिनाइयों को अपनी नज़रों से देखा और उसका हल करने का प्रयास किया है, इसलिए जनता में ऐसी कोई स्थिति नहीं कि उसका आशीर्वाद हमसे हम वंचित रह जाएँ। एक यहाँ पर ये बड़ा सवाल उत्पन्न होता है कि पिछले कार्यकाल के आपके दौरान यहाँ बहुत सारे ऐसे काम रह गए थे जो अभी अधूरे हैं या ऐसा लगता है कि शुरू ही नहीं हुए, तो इस बार ऐसी आपकी प्रमुखता, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप बताइए कि इस बार के चुनाव जीतने के बाद आपकी प्रायोरिटी में वो कौन से काम होंगे जिनको आप सबसे पहले करना चाहेंगे? एक तो रीवा से मिर्जापुर वाया हनुमना रेलवे लाइन का सवाल, उसका सर्वे हो चुका है और वित्त विभाग में रेलवे के फाइनेंस में वो पर समीक्षा हो रही है, उसको आगे बढ़ाएंगे। दूसरा है, यहाँ ये रीवा शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, पर जब से तकनीकी शिक्षा आई, आधुनिक शिक्षा आई, इस तरह से तो वो हम पिछड़ गए। मेरा प्रयास होगा, अब ईश्वर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो अलग बात है, लेकिन कोई शैक्षणिक संस्थान यहाँ आए जिससे रीवा के शिक्षा के स्तर का, जो पूरा रीवा के शिक्षा का केंद्र होने का जो गौरव उसको था, वो फिर से आए। आपने शिक्षा की बात की तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पर संस्कृत यूनिवर्सिटी बनाने की बातचीत चल रही थी,
रीवा के विश्वविद्यालय में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में अंतर भारती का काम भी आधा अधूरा, एक बार बनने के बाद आज तक पूरा नहीं हुआ, ना उस पर किसी ने ध्यान दिया। तो क्या आप अपनी प्राथमिकताओं को इन चीज़ों को भी शामिल करेंगे? निश्चित, शिक्षा के क्षेत्र में जो जो कमियां हैं, जहां जहां की योजनाएं कुछ अधूरी रह गई हैं, उन सब को पूरा करने का प्रयास करूँगा। और जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि इस बार मेरा शिक्षा पर फोकस रहेगा, अब वो सफलता कितनी मिलेगी कितनी नहीं मिलेगी तो भविष्य बताएगा। आप पुराने समाजवादी नेता भी रहे, हम अपने दर्शकों को भी बता दें आप किसी जमाने में बड़े समाजवादी नेता के रूप में भी यहाँ पर आपकी एक पहचान थी। तो जो आपका डायरेक्ट निचले तबके की जनता से एक आम आदमी से जुड़ाव है, तो क्या उसका कहीं ना कहीं असर है? नहीं, समाजवादी विचारधारा भी नीचे के लोगों को गरीब से गरीब आदमी के पास जोड़ने का संदेश देती थी, और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अंतिम लाइन में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति को देखने की है। तो इस तरह से समाजवादी विचारधारा और ये भारतीय जनता पार्टी के अंत्योदय की विचारधारा में कोई अंतर नहीं है, बल्कि यहाँ पर संगठित रूप से ये प्रयास हो रहा है, तो ज़्यादा अधिक सरलता से हम लोग वहाँ जा पा रहे हैं जहाँ हमको जाना चाहिए। पिछला चुनाव में आप आसानी से जीत गए थे, कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते यहाँ पर नहीं खोले हैं, आपको ऐसा क्या लगता है कि आपके खिलाफ इस बार कांग्रेस किस तरीके का प्रत्याशी लाने के मूड में दिखाई दे रही है? अब वो किस तरह का प्रत्याशी ले आने का सोचते हैं वो तो उनका है, लेकिन मैं आपको बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूँगा कि अब देश बदल चुका है। आज हर मतदाता मोदी जी को के रूप में एक सशक्त नेतृत्व इस देश में देखना चाहता है, और इस वजह से उम्मीदवार चाहे जो भी हो, मुझे पूरा विश्वास है कि रीवा की जनता मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त करेगी। कांग्रेसी एक आरोप इस समय काफ़ी तेजी से लगा रहे हैं कि आपके यहाँ बुजुर्गों की वो पूछ परख नहीं रही जो किसी जमाने में हुआ करती थी। वो उदाहरण के रूप में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जी का नाम लेते हैं कि उनके टिकट काट दिए, उनको बताया भी नहीं। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं, किस तरीके से हमारे दर्शकों को समझाएंगे कि आपके ये डिसीजन 75 से ऊपर वाले सही हैं? मुझे जहाँ तक जानकारी कि आडवाणी जी ने स्वयं कहा कि अब मेरी उम्र हो गई है और अब मैं नहीं चाहता, और पार्टी ने भी पूछा कि आप अपने बेटे या बेटी में से किसी का भी किसको चाहेंगे उसको कर दें, तो आडवाणी जी ने कहा कि मैं जीवन भर वंशवाद के खिलाफ लड़ता रहा हूँ, इसलिए अपने जीवन जी में हमारे जिंदा जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो मेरे परिवार से कोई भी व्यक्ति राजनीति में नहीं आएगा। तो इस तरह के उदाहरण है, और मैं समझता हूँ कि ये जो चर्चा है ये केवल एक अंदाजन है, बाकी वास्तविकता तो यही है कि जितना सम्मान बुजुर्गों का हमारी पार्टी में है उतना मैं नहीं देखता कि कहीं भी। आडवाणी जी लोकसभा में जाते थे तो सांसद लाइन लगाए रहते थे, सदन के अंदर ही उनके पैर छूते थे, बड़े से बड़ा नेता भी आडवाणी जी के सामने जाकर के अपना प्रणाम और आदर व्यक्त करता था लोकसभा के अंदर, बाकी बाहर तो छोड़िए। इस तरह से ये सब चीज़ें, चाहे मुरली मनोहर जोशी जी हों, उनका इतना सम्मान सांसद और सारे लोग करते हैं, पार्टी नेतृत्व करता है, वो तो चीज़ें ऐसी हैं कि अब चुनाव प्रचार में के बीच बीच में एक अफवाहों का बाजार गर्म करना है और बाकी कुछ नहीं है। जितना आदर, फिर से मैं कहना चाहूँगा कि जितना आदर भारतीय जनता पार्टी में अपने पुरानी पीढ़ी के नेताओं के प्रति है, जितनी श्रद्धा नेताओं के प्रति है, उतना कहीं आज देखने को नहीं मिलेगी। एक अंतिम सवाल, लोकसभा के चुनाव में इस बार अपनी पार्टी को आप कितनी सीटों के साथ संसद में देख रहे हैं? इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा, और उसके साथ ही साथ जो हमारे साथी हैं एनडीए के वो भी भारी तादाद में जीतेंगे, बाकी इसके आगे कोई ऐसी संख्या बता पाना भी मैं ठीक नहीं समझता। ये थे हमारे साथ रीवा सांसद जनार्दन मिश्र जी, जिनका साफ तौर से कहना था इस बार भी हमारी सरकार बनने जा रही है, हमारे कामकाज इतने बेहतर रहे हैं, इतने व्यवस्थित तरीके से हमने कामों को अपने आगे बढ़ाया और जनता के बीच में अपनी बातों को मजबूती से रखा है कि उन कामों के आधार पर, आकलन करने के आधार पर जनता उनको एक बार फिर से चुनकर संसद में भेजेगी। उनका साफ तौर से कहना था इस बार के
कार्यकाल में वो यहाँ पर उद्योग पर फोकस करेंगे, खासकर शिक्षा के स्तर को। किसी जमाने में बड़े शिक्षा के केंद्र के रूप में रीवा पहचाना जाता था, उसको एक बार फिर से उसी कैटेगरी पर लाकर खड़ा करेंगे। रीवा दर्शन में आज के लिए इतना ही। जनार्दन जी, रीवा दर्शन में आने के लिए एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, निश्चित रूप से जनार्दन जी से आपकी मुलाकात अक्सर होती रहेगी। लोकसभा का चुनाव है, दावे आरोपों का प्रत्यारोप लगातार जारी रहेगा, हम आपसे लगातार बातचीत करते रहेंगे। तब तक देखते रहिए रीवा दर्शन। और मैं जनार्दन जी, मैं यहाँ पर रीवा के दर्शकों से आपकी तरफ से एक अपील भी चाहूँगा कि वो अपने मनचाहे प्रत्याशी को चुनने के लिए लोकसभा चुनाव में वोट डालने जरूर जाएं और मनचाहे प्रत्याशी को वोट डालें। एक अपील आप भी कर दीजिए। रीवा लोकसभा के प्रिय मतदाता साथियों, 5 वर्ष बाद ये अधिकार जो संविधान ने हमको दिया है मिलता है अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए, और निश्चित रूप से हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करे, उस अधिकार का इस्तेमाल करे और बाकी एक अच्छे उम्मीदवार को, जिसे वो समझता है देश के हित में जो काम करने लायक हो, उसको अपना मत देने का कष्ट करें। रीवा दर्शन भी आपसे अपील कर रहा है, वोट डालने जरूर जाएं, अपने मनचाहे प्रत्याशी को अपनी समस्याओं के निराकरण कराने के लिए भारी मतों से जिताकर संसद में भेजें, जैसे आपकी समस्याएं का समाधान हो चुके। रीवा दर्शन में आज के लिए बस इतना ही। अपने मेजबान जावेद अंसारी को इजाजत दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार। ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। मनोरंजन के लिए आप बने रहिए रीवा दर्शन के साथ। नमस्कार।